शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी जिनसे वो चाह रहे हैं और बातचीत करके वहाँ वो एसी के कमरे से निकलने नहीं चाह रहे। आम आदमी के बाद धूप में खड़े भी 5 मिनट होना चाह रहे, आम आदमी यहाँ बैठा हुआ है, तो जब उसकी बात नहीं मानी जाएगी, उसकी बात सुनी नहीं जाएगी आम जनता की, तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, बिल्कुल गलत हो रही है। मैं हिंसा का बिल्कुल विरोध करता हूं, लोगों से अपील करता हूं शांति बनाए रखे, किंतु सरकार शासन प्रशासन से भी मेरा आग्रह है और पूरे भारत में जहां कहीं भी इस तरीके के प्रदर्शन लोग इतनी गर्मी में कर रहे, परेशान होकर आम जनता हो रही है, उन लोगों की बात तुरंत सुनी जाए और हर समस्या का समाधान बातचीत से ही हो सकता, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं। ठीक है रुपेश जी, सरकार ने बड़ी लापरवाही दिखाई और ये जो हिंसा हुई, ये जो प्रदर्शन उग्र हुआ, क्या इसके जिम्मेदार सरकार है? जी नमस्कार, शुक्ला जी नमस्कार, गंगेश जी नमस्कार। देखिए छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, यद्यपि इस प्रकार की घटनाओं में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सतनाम समाज जो सत्य के प्रतीक हैं, जो ध्वज श्वेत ध्वज के अनुयायी हैं, शांति के प्रतीक के अनुयायी हैं, उस समाज के द्वारा जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई उनके प्रदर्शन में, ये सरकार की इंटेलिजेंसी का फेलवर का नतीजा है। 15 तारीख को एक घटना घटित होती है पवित्र अमर गुफा के जैत खम में, जिस प्रकार से तोड़फोड़ की घटना हुई, और उसके बाद सरकार उस समाज के लोगों को ये विश्वास पैदा नहीं कर सकी कि जो आरोपी है, जो विघ्न संतोषी है, जिनके द्वारा ये घटना कारित किया गया हो, वो उनको हमने पकड़ लिया है। जो पकड़ने के बाद भी उस समाज के लोगों के द्वारा यह सरकार अब उस समाज के लोगों पर विश्वास पैदा नहीं कर पाई, ये सरकार की नाकामी है। और पूरी तरह से अब देखिए, अभी 8 एफआईआर दर्ज कर दिए गए हैं, अपराध क्रमांक 370 से लेकर 384 तक एफआईआर दर्ज हैं, किसी भी आरोपी का और किसके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है इसका इंदराज नहीं है, सिर्फ सेंसिटिव मामला लिख करके मामले को दबाया जा रहा है। गृह मंत्री जी का यह कहना कि समाज के लोगों के द्वारा जो मांगे की गई थी उन मांगों को मानने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया। यदि मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है, जिन समाज के हमारे प्रतिनिधि हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की मांगे की जा रही हैं, उनकी मांगे मानी जा रही हैं, तो फिर इस प्रकार की घटना करने वाले कौन है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राणा जी कि पूरे प्रदेश के सतनामी समाज के अनुयायी बलौदा बाजार में एकत्रित हुए, धरना प्रदर्शन करने के लिए जो लगातार चलते रहे, ज्वलनशील पदार्थ भी उन भीड़ में शामिल था, लेके चल रहे थे, तो सरकार उन सब चीजों को चिन्हांकित भी नहीं कर सकी और उन चीजों को देख करके उस पर अंकुश लगाने का भी कोई काम नहीं हो सका, जिसके कारण शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंची। पूरी तरह से प्रशासनिक अमला और पूरी तरह से शासन की लापरवाही का ये परिणाम है, जिसका दंश छत्तीसगढ़ की जनता और बलौदा बाजार की प्रशासनिक जो संपत्ति है उसको हमें क्षति के रूप में झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल दिनेश अग्रवाल साहब, हिंसा का समर्थन कोई नहीं करता, किसी कीमत पर हो भी नहीं सकता, लेकिन हिंसा किस हद पर जाकर हुई, प्रदर्शन करने वाले लोग आखिर क्यों इस हिंसा पर उतारू हुए, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए ये जो कृत्य हुआ है वो किसी भी एंगल से भर्सना योग्य है। ये हमारे सतनाम के गुरुपंथ, सतनामी समाज के लोगों के द्वारा एक छोटा सा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व इस प्रदर्शन में घुस करके भीड़ की दिशा में वो इस प्रकार के कांड किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है और जो भी व्यक्ति इस प्रकार के दोषी हैं, उन्हें बड़ी से बड़ी सजा हमारी सरकार, साईं जी की सरकार, इस प्रदेश की जनता की सरकार जरूर देगी। और जो कृत्य हुआ है उसका भर्त्सना करते हैं, साथ ही जैत खाम के ऊपर जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उन दोषियों को शीघ्र अति शीघ्र पकड़ करके, वो कितना शीघ्र, उनके व्यक्तियों को कितना शीघ्र सजा देने के लिए सरकार कितना शीघ्र गिरफ्तार करेंगे उन्हें, जांच
चालू हो चुकी है, जांच की कमेटी बन चुकी है। 15 मई को मामला शुरू होता है, 15 मई को क्षतिग्रस्त किया जाता है और आज हम 11 जून में हैं, लगभग लगभग एक महीना, और अभी भी आप सिर्फ ये दावे कर पा रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे, दोषियों को सजा देंगे। यह है एक्टिवनेस। बिल्कुल, दोषियों को सजा देने के लिए साईं जी की सरकार दृढ़ संकल्पित है और संकल्पित कहां है वही तो मैं पूछ रहा हूं कि एक महीना लगेगा, सिर्फ दावा करने में एक महीना लगेगा। आप मैं सभी देखेंगे। और रही बात जो साईं जी की सरकार ने जो डिसीजन लिया है उसका सतनामी समाज के धर्म गुरुओं ने भी स्वागत किया है, ये आप हम सभी जानते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना अचानक हो जाना, अगर 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 सभी ने संज्ञान लिया, अगर सभी ने आभार व्यक्त किया तो फिर प्रदर्शन खत्म क्यों नहीं हुआ? प्रदर्शन कब हुआ, कैसे हुआ, वो एक जांच का विषय है। उस प्रदर्शन तो चल ही रहा था ना, प्रदर्शन खत्म ही कहां हुआ था, प्रदर्शन तो चल ही रहा था। 15 मई को घटना हुई, लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। प्रदर्शन अचानक इस रूप में आया और इसमें असामाजिक तत्व, प्रदर्शन चल रहा था ना, इस रूप का छोड़िए, प्रदर्शन चल रहा था ना, प्रदर्शन बड़े रूप में होने का असामाजिक तत्वों ने फायदा उठाया है। प्रदर्शन चल रहा था या नहीं चल रहा था दिनेश जी? प्रदर्शन नहीं चल रहा था, अचानक इतने बड़े रूप में प्रदर्शन हुआ है और उसमें असामाजिक तत्वों ने इस प्रदर्शन का फायदा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कल से पहले कोई प्रदर्शन नहीं चल रहा था सतनामी समाज का? सतनामी समाज ने अपनी मांगों से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था, शासन प्रशासन को अवगत कराया था, मुख्यमंत्री जी ने जांच का भरोसा देते हुए हमारे जांच की तो मांग सीबीआई की थी ना, आपने दिया न्यायिक जांच। न्यायिक जांच के लिए कमेटी बन चुकी है और न्यायिक जांच होने वाली, सतनामी समाज तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है ना, जांच हो रही है, जांच किस रूप में हो रही है वो सरकार का एक विषय है। इसी पर तो सवाल है, इसी पर तो सवाल है, जो प्रदर्शन हो रहा वो इसी मुद्दे पर तो है कि जांच ये नहीं सीबीआई वाली चाहिए। जांच सीबीआई से होना, एनआईए से होना, ईडी से होना या जो भी एजेंसी से होना, वो एक सरकार का अपना रूप रहता है, सरकार अपने स्तर पे जांच कर रही है और अगर सीबीआई जांच की आवश्यकता हुई तो निसंदेह सरकार सीबीआई जांच के लिए भी दृढ़ संकल्पित है, लेकिन जांच जांच के रूप में चलने दिया जाना चाहिए और जांच में जो दोषी है, क्योंकि सतनामी समाज सबके सम्मानी है और वो धर्म गुरु नजर नहीं आ रहे। अगर सम्मानीय होते, अगर दिनेश जी सम्मानीय होते तो सरकार एक्टिव नजर आती, अगर सम्मानीय होते तो 15 तारीख से 11 जून नहीं आती, अगर सम्मानीय होते तो ये हिंसा नहीं हो रही होती, सम्मानीय होते तो प्रदर्शन की नौबत नहीं आती, सम्मानीय होते तो सीबीआई जांच की मांग नहीं उठती। दिनेश जी सम्मानी है इसीलिए धर्म गुरुओं ने चाहे वो कह देने से काम नहीं चलता ना। ठीक है गंगेश जी, चाहे लौटूंगा दिनेश जी लौटूंगा। गंगेश जी, सरकार का सिर्फ इतना कह देना कि हम दावा कर रहे हैं कि जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार कर लेंगे, एक महीने बाद भी दावा। जी निश्चित तौर पर देखिए, एक समाज जिसके धर्म गुरु सत्य अहिंसा की बात करते हैं, मन के मन के एक समान होने की बात करते हैं, सत्य अहिंसा और एक समानता पे भरोसा करने वाला समाज लगातार अगर सरकार से बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, इसका मतलब समाज के लोग लगातार सरकार के संपर्क में है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया है और मुझे लगता है यही वजह है कि इसमें से जैसे की बात ही आ रही है असामाजिक तत्वों की बात भी आ रही है, हो सकता है हम असामाजिक तत्व भी इसका फायदा उठाया हो, इस भीड़ का फायदा उठाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। मुझे लगता है इस तरह कहीं ना कहीं इसमें समाज को भरोसे में लेने वाली बात है, तब तक अगर समाज को भरोसे में लिया जाता तो इस तरह से कोई दूसरा तत्व घुस के वहाँ पे पदरव नहीं कर पाता। मुझे नहीं लगता कि खाली समाज तत्व वाली बात है, जो संख्या भी बड़ी भीड़ थी वो समाज के लोगों की और इतनी बड़ी घटना जो है कुछ लोग मिलकर इस पर जाम नहीं दे सकते, जिसमें मैं नहीं निश्चित तौर पर देखिए हर समाज में हर वर्ग में दोनों तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग गर्म दल के होते हैं, कुछ लोग नरम दल के होते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो गर्म दल के विचारधारक होंगे उनको लगता होगा कि सरकार या प्रशासन हमारी बातों को गंभीरता से ले नहीं रहा है, तो ये बड़ी वजह है। और इतनी बड़ी इतना बड़ा कदम उठाना इसका मतलब
बहुत जबरदस्त असंतोष रहा हुआ लंबे समय से, उस असंतोष को न प्रशासन भाप पाया और न शासन भाप पाया, केवल आश्वासन से काम चलता रहा, महीना भर गुजरने को आ गया और वहाँ पे एक स्टेप भी नहीं उठाया गया कि वहाँ पे जो भी घटना हुई थी कम से कम प्रारंभिक जांच तो शुरू होती कम से कम, तो समाज के लोग भरोसा को भरोसा होता। मुझे लगता है कि जिस तरह से इस मामले को हल्के में लिया गया है ये उसी का परिणाम है। दिनेश जी तो ये दावा कर रहे हैं कि जांच हो रही है, मुझे लगता है कि समाज के लोग, समाज के धर्मगुरु भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं। दिनेश जी तो ये दावा कर रहे हैं कि जांच हो रही है, जांच कब तक चलेगी सर? उस पर रिजल्ट आना चाहिए, फील्ड में भी तो दिखाई देना चाहिए। जब तक फील्ड में दिखाई नहीं देगा कुछ ना कुछ परिणाम, अब तक एक महीने में अगर आपने कोई स्टेप नहीं उठाया, अभी तक जांच की शुरुआत वहां पे नहीं की, तो आखिर कैसे ये घटना हो रही है? घटना की आपने फटाफट गिरफ्तारियां कर ली, लेकिन जो पुरानी घटना के आधार पर ये घटना हुई है उसका क्या हुआ? जनता को किसने नुकसान पहुंचाया और कौन लोग थे जो इस घटना के पीछे थे? तो उसपे कोई जांच अभी तक कोई गिरफ्तारी उस पर नहीं, कोई सुराग नहीं है पुलिस के पास, शासन के पास कोई जवाब नहीं उसको को लेकर, तो कौन सी जांच हो रही है? एक महीने तक अभी उससे कोई सूत्र भी अगर नहीं मिल रहा आपको, तो किस तरह की जांच हो रही है? जांच से बिल्कुल सवाल उठता है और इसके सरकार और प्रशासन दोनों गंभीरता बरतनी चाहिए। समाज को संवेदनशील मामला है, सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर उस मामले में तेजी से प्रयास करें कि वो जखम को नुकसान पहुंचाने जो घटना हुई थी उस पर तेजी से सबूत इकट्ठा करें और कौन लोग उसके जिम्मेदार हैं उनको पता लगा के समाज के सामने लाके पेश करें। बिल्कुल जी मोहित जी, क्या सरकार की बड़ी लापरवाही रही जिसकी वजह से आज ये हम हिंसा देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो आग लगी है? देखिए ये खुफिया तंत्र जो है, एक महीने से प्रदर्शन हो रहा था तो सरकार का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, सूचना तंत्र क्या कर रहा था, और पुलिस के पास जो मुखबिर होते हैं उनके भी अपना सूचना तंत्र होता है, तो उनको भी अपना प्रशासन को भी खुफिया तंत्र से जानकारी लेते रहना चाहिए था। और इस प्रकार से सरकार को मैं सुझाव देता हूँ कि सतनामी समाज का जो लोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनको तुरंत बुलाएं, उनके धर्मगुरुओं को बुलाएं और तत्काल जो है इसका समाधान करें। जो उनकी समस्याएं हैं उन्हें जो होते वो जांच कह रहे जांच तो करें, लेकिन जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के हित के लिए जो है ये प्रजातंत्र है, संविधान बना है, तो जनता को नाराज करके जो है शासन नहीं किया जा सकता है। जनता की बात को सुना जाए और उसका जो वो समाधान जनता चाहती है जिस तरीके से जांच चाह रहे, तो जांच कराने में क्या जो है परेशानी, और जैसे उसको करा दे इतना नुकसान ये जनता का ही हो रहा, ये जो चीज है इतनी गाड़ियां जल रही, इतनी संपत्ति का नुकसान, ये जनता के भारत के प्रत्येक नागरिक की ये संपत्ति जो नष्ट हो रही है, तो इसलिए सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए और तुरंत इसके संज्ञान लेते हुए और आपसी सहमति का एक माहौल प्रेम सौहार्द का वहां पर बनाना चाहिए जिससे हिंसा और ना बढ़े, जान माल का नुकसान ना हो, खतरा ना हो, किसी का जान माल का नुकसान हो, तो बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। ठीक है रुपेश जी, सरकार क्या सतनामी समाज के लोगों को भरोसे में लेने में फेल हो गई? अगर भरोसे में लिया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन की लचरता और निष्क्रियता इस घटना में प्रमाणित हुई है राणा जी। यदि जो 15 तारीख को जैद खाम में तोड़फोड़ की घटना घटित हुई और उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा वहां का स्थानीय प्रशासन करता रहा और उन्होंने जो कारण बताया वो कारण बड़ी अजीब स्थिति में थी कि किसी व्यक्ति को मजदूरी नहीं मिला, वो किसी के धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ कर दे, जिससे सतनामी समाज के लोग उद्वेलित हुए और चूंकि ये पूरा प्रदेश स्तरीय मामला था तो पूरे प्रदेश के जिला प्रशासन को जो उस जिले में सतनामी समाज के प्रमुख धर्मगुरु है, प्रमुख नेतृत्व करता है, उनके साथ भी बैठ करके जानकारी लेकर के क्या आप उस धर्म आंदोलन में जा रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, इस प्रकार की मानवीय संवेदनाओं के साथ उनके साथ चर्चा करते तो इतनी उग्र घटना नहीं घटित होती। और जिस प्रकार से शुक्ला जी ने कहा कि खुफिया तंत्र की नाकामी है, तो जब धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा था और जब उन्होंने आवेदन देकर के अनुमति मांगी थी और अनुमति नहीं मिली और उसके बाद आनन फानन में एक दिन पहले धारा 144 लगाने के जो घटना 144 लगाने का आदेश जिला प्रशासन ने किया, निश्चित रूप से किसी को भी जानकारी नहीं रहती। ये भाजपा की वही सरकार है जब 15 वर्ष इनके भाजपा के कुशासन में
किसानों का आंदोलन होता था तो रात में उनके 144 धारा लगा दिया जाता था और सुबह आंदोलनकारी एकत्रित हो जाते थे। वैसी स्थिति में अपराध दर्ज किया जाना, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी सरकार का सूचना तंत्र और प्रशासन की लापरवाही देखिए। गृह मंत्री जी ने कहा है कि समाज के लोग नहीं थे, 45 लोगों के विरुद्ध में नाम दर्ज FIR दर्ज कराया गया है, तो जो असामाजिक तत्व के जो 45 लोग हैं उनके नाम को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि सतनामी समाज का मान सम्मान प्रतिष्ठा बना रहे और छत्तीसगढ़ सरकार अपनी दिनेश जी हाँ बिल्कुल, समय भी कम है दिनेश जी, सरकार का खुफिया तंत्र फेल हो गया, सरकार लोगों को भरोसे में लेने में फेल हो गई, लगातार सरकार के संपर्क में समाज के लोग हैं, सतनामी समाज के लोगों की बैठक अभी भी मुख्यमंत्री के साथ हुई लेकिन उसके बाद भी भरोसे में नहीं ले पाए, और जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व इस प्रदर्शन में थे उनका नाम सार्वजनिक आखिर अभी तक क्यों नहीं हुआ? देखिए एक बात तो स्पष्ट है, सतनामी समाज बहुत ही अच्छा समाज है, कभी भी कोई भी समाज चाहे सतनामी समाज हो चाहे कोई भी समाज हो इस टाइप की घटना को अंजाम नहीं देता, ये जरूर ही असामाजिक तत्वों का काम है, क्योंकि कोई भी समाज का व्यक्ति जो गिरफ्तार किए उनके नाम कब होंगे, जारी नाम कब होंगे? बिल्कुल होने जा रहे हैं, आप धीरज रखिए, सरकार को संतुलन बना के चलना है, सबका मान सम्मान की रक्षा करते ये संतुलन की तस्वीरें हैं, आपको लगता है दिनेश जी हम सब देखेंगे उनकी गिरफ्तारी भी होगी वो अंदर भी होंगे, अगर अगर असामाजिक तत्व अगर असामाजिक तत्व इस प्रदर्शन में गए थे तो आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा था? ये निसंदेह एक त्रुटि हुई है, इसका जांच किया जा रहा है और जो भी दोषी व्यक्ति है, ठीक है, मैं पुनः आपके चैनल से बोलूंगा जो भी दोषी व्यक्ति है, ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सतनामी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन में हिंसा हुई, अब हिंसा किसने की उस पर कार्रवाई होना भी जरूरी और सरकार को समाज के लोगों को भरोसे में लेना भी जरूरी, उनकी मांगों पर ध्यान देना भी जरूरी। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए AMP नेटवर्क, नमस्कार।